Brought to you by Spark 20 series smartphones. हमारे साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी हैं प्रियंका जी आप लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं रायबरेली अमेठी में हैं शर्मा जी भी साथ में आपके चल रहे हैं क्या समीकरण जीतेंगे शर्मा जी राहुल जी भी जीतेंगे जनता समझदार है यहाँ की जागरूक है सही निर्णय लेगी से हैं यहाँ से भी है आपको क्या लग रहा है कोई टक्कर देखिए उनका मुख्य काम यही है कि आतंक फैलाना रोगों को, लोगों को प्रताड़ित करना रायबरेली में किसकी जमीन छीननी है वो काम है आ, कोटेदारों को प्रधानों को धमकाना लोगों के मन में भय फैलाना यहाँ पे भी लोग उब चुके हैं लोग एक सच्ची राजनीति चाहते हैं वापस यहाँ पे सभ्यता थी एक राजनीतिक और जनता के बीच नेता के बीच एक बहुत आदर का रिश्ता था वो नहीं निभाया जा रहा है और जनता जानती है कि उनके लिए अच्छा क्या है मैम कई बार फादर के नाम ले कर, के नाम लेकर लेकर दादी का कितना कनेक्ट आपका है रायबरेली से भी अमेठी से बहुत ज्यादा जहाँ जहां मैं जाती हूँ अभी मैं एक गाँव से गुजरी वहाँ पे एक शख्स थे वो रोने लग गए कहा कि ये पाठशाला आपके पिताजी ने बनाई बनाया था अभी किसी ने मुझे चिट्ठी दी कि आप बचपन में यहाँ आते थे और आपने हमें टॉफी खिलाई थी जब हम भी छोटे थे तो हमारा पुराना बहुत पुराना गहरा रिश्ता है ये राजनीतिक रिश्ता है ही नहीं चाहे हम सांसद सं, रहें नहीं रहें इससे कोई ताल्लुक नहीं है हमारा हाँ बहुत लगाव है और आपने भाजपा की सांसद के बारे में पूछा वो तो यहाँ आई एक मकसद से थी राजनीतिक मकसद से आई तो उनका क्या रिश्ता है वो तो चालीस साल लगेगा रिश्ता बनाने में तो बनाए वो मेहनत करे बनारस में है रोड शो भी कल हुआ है नामांकन है आप उसको कुछ नहीं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई आपके अखिलेश मैसेज किया है बड़ी चर्चा से मैंने मैसेज ये किया कि आपके लोग कई बार हमने अलायंस किया इस बार एकदम जोश से लगे हुए उनके सारे कार्यकर्ता मैंने उनको मैसेज भेजा कि धन्यवाद आपके कार्यकर्ता एकदम अच्छी तरह से हमारे कार्यकर्ताओं से मिल के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं और ये हम भी कर रहे हैं जहाँ जहाँ उनके प्रत्याशी हैं तो मैंने हाँ मैसेज भेजा था धन्यवाद ने कहा कि यूपी में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी इस पर आप देखा जाएगा मैं तो ज्योतिषी नहीं हूँ अगर वो है तो बहुत अच्छा आखिरी सवाल है मैसेज क्या है अमेठी के लिए मेरा मैसेज जहाँ भी मैं जा रही हूँ और खास तौर से रायबरेली अमेठी देखिए एक जागरूकता का की परंपरा रही है हमारे देश में हमारे देश में लोकतंत्र है यहाँ जनता की जागरूकता से ही और जनता के बल पे ही सरकारें चुनी जाती हैं तो मैं जनता को कहती हूँ जागरूक बनो समझो कि कौन सी पार्टी आपके लिए क्या करेगी क्या किया है आपके लिए पहले क्या किया है जहाँ हमारी सरकारें हैं प्रदेशों में समझिए कि हमारी सरकारें क्या कर रही हैं और फिर वो सब देखते हुए विवेक से अपना वोट डालिए इस लोकतंत्र को बचाइए संविधान बदलने की बात जो करते हैं उनसे इस लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है अपनी जिम्मेदारी पूरी करिए देश के लिए हमारे साथ प्रियंका गांधी आप तस्वीर भी देखिए चलिए पूरा काफिला पीछे तक दिखा रहे हैं आपको हम कि लंबी लंबी कतार कार्यकर्ताओं की है गाड़ियों की है और इन्हीं गलियों से मोहल्लों से होती हुई अमेठी रायबरेली में लगातार प्रियंका कैंपेनिंग कर रही है जैसा कि उन्होंने कहा 18 तारीख कि शाम पांच बजे तक वो यहाँ रहने वाली तो वहीं स्मृति ईरानी को लेकर वो कह रही हैं वो तो यहाँ आई ही नहीं जो यहाँ क्यों आई थी उसके अलग मायने हैं ये सब बातें प्रियंका ने खास बातचीत में की है